पेट्रोल के 2 सेल अभी एंड टेम्परेचर के 3 सेल्स हैं। क्या हो रहा है इनको? सो भाई लोग यार, इसका टायर होता क्या स्लिप मार रहा है खतरनाक तरीके से। अभी मैंने फिर से सेटअप करा हुआ है अपना। एंड क्या हो रहा है यार, पेट्रोल का ड्रामा देखना है। ये देखो अभी 2 साल हो गए इसमें। हाँ पैदल जा सकते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओहो भाई रोंगी आ गए हो। तो गाइस ये तो बहुत ही गलत है यार। एंड अभी बाइक की इतनी गंदी स्किट हुई ना। सो भाई यार एक बंदे के चक्कर में क्या हो जाता है यार सीन। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो फाइनली गाइस आज मैं एक न्यू वीडियो शूट करने जा रहा हूँ अपनी बाइक पे। अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से एंड अभी शाम का टाइम है। मैं अभी ऊपर की साइड जा रहा हूँ, मैकलो वाली साइड। तो अभी देखते हैं ऊपर चल के क्या सीन रहता है। काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ रही है तो मैं सोच रहा हूँ कि आज वीडियो शूट कर ही लेते हैं। सो भाई लोग बाइक देखो, 234 मतलब 234 किलोमीटर चल चुकी है बाइक। अभी ऐसे ही जा रहा हूँ मैं, तो अभी थोड़ा सा मैं फ्री था तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। ऊपर की साइड देखते हैं कहीं ऑफ रोड टाइप मतलब लोकेशन देखते हैं ऑफ रोड वाले। सो भाई लोग ओवरटेक करने के लिए तो काफ़ी पावरफुल मशीन है ये। इसके लिए मामूली बात है ओवरटेकिंग करना, बट हमें खुद सेफ्टी के साथ चलना पड़ता है। ये देखो पावर बड़ी ज़्यादा इसमें। सो भाई लोग इस साइड तो मतलब लोगों का इधर क्राउड नहीं होता है, बट मैं दूसरी वाली साइड से आऊँगा ना तो उस वाली साइड भाई लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह होते हैं। पेट्रोल के 2 सेल अभी एंड टेम्परेचर के 3 सेल्स हैं। क्या हो रहा है इनको? सो भाई लोग ये देखो, ये रोड है जो दूसरी साइड वाला रोड है वो बंद है, ठीक है। तो एक पुलिस वाला इधर खड़ा आया होता है इन्होंने, बिकॉज सीन है कि देखो गाड़ियाँ यहाँ से आ रही हैं एंड रोड देखो कितना मतलब कंजेस्टेड है यहाँ पे। एंड अभी देखो यार 2 साल थे पेट्रोल के और अभी क्या। गाइस एक बार मैं रुक के यार इसका पेट्रोल चेक कर ही लेता हूँ। मुझे पता है इसमें पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा है बट मीटर में अच्छा लगता है यार, ऐसे एक ही सेल ब्लिंक करता है। ये देखो यार गाइस पेट्रोल बहुत है इसमें, 2-3 लीटर पेट्रोल होगा इसमें भाई लोग। तो अभी निकलते हैं फटाफट यहाँ से। गाइस रिएक्शन देख रहे हैं आप लोग, बंदा सोच रहा है ये केले क्या बोले जा रहे हैं। सो गाइस क्या करें यार। काम है हमारा ये, मैं नहीं देखता कि बंदे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं बोलते ही रहता हूँ ऐसे। सो गाइस यार ये वाला रोड काफी गंदा लगता है मेरे को। ये देखो थोड़ी सी टाइल डाली हुई है आगे सारा सीमेंटेड। यहाँ पे थोड़ी ऑफ रोडिंग करके आते हैं आगे चल के। सो भाई लोग यार इसका टायर होता क्या स्लिप मार रहा है खतरनाक तरीके से, फुल मैक्स एक्सीलेटर दे रहा हूँ। तो एंड गाइस आ चुके हैं ऑफ रोड, तो हम धीरे धीरे जाएंगे बिकॉज अभी न्यू बाइक है। जब भी जाना होता है मुझे कहीं भी तो मैं स्कूटी लेके जाता हूँ एंड हेलमेट भी मैं कभी कभी दूसरा लेके जाता हूँ, बिकॉज ये नहीं होता यार ये हेलमेट भी काफ़ी भारी है, ऊपर से कैमरा वगैरह लगा हुआ है, महंगा कैमरा लगा हुआ है यार, तो मैं रिस्क नहीं लेता ज़्यादा। क्योंकि पहले भी मेरा जो GoPro था उसकी स्क्रीन टूट चुकी थी फुल। सो अभी मैंने फिर से सेटअप करा हुआ है अपना। एंड क्या हो रहा है यार न्यूट्रल। सो भाई लोग तुम बोलोगे यार आशु भाई चलाने नहीं आती तुम्हें बाइक, न्यूट्रल न्यूट्रल कर देता हूँ मैं। देखो यार सेकंड गियर में चल रहा हूँ तो इसकी चेन आवाज़ कर रही है, तो मैं भी क्या करूँ, स्पीड चल नहीं सकता मैं ज़्यादा यहाँ पे। देखो यार हाई स्पीड इंजन है तो बाइक मांगती है स्पीड। ये देखो सेकंड गियर में फुल चेन आवाज कर रही है इसकी, धीरे धीरे चलूंगा एंड फर्स्ट में चलूंगा तो फर्स्ट गियर इसका काफ़ी हैवी हो जाएगा बाइक के लिए।
तो ऐसे ही चलते हैं भाई लोग। पेट्रोल का ड्रामा देखना है, ये देखो अभी 2 साल हो गए इसमें। एंड आज हम इसको लाए हैं फर्स्ट टाइम ऑफ रोडिंग करने, तो हम धीरे धीरे जाएंगे। थोड़ा सा डालते हैं इसको पानी में। तो भाई लोग यार चेन काफ़ी आवाज़ कर रही है इसकी। एंड नीचे का व्यू देखो यार, जंगल में ऐसा लग रहा है पूरी आग लगी हुई है एंड ट्रीज वगैरह सारे जल रहे हैं। एंड देखो यार धुआं कैसे आ रहा है। बट भाई लोग फोग बड़ी है, फुल पावर है यहाँ पे। अभी चलते हैं थोड़ी सी आगे, धीरे धीरे ही जाएंगे। ये देखो सो भाई लोग, यहाँ पे ऑफ रोड बाइक होती ना काफ़ी मज़ा आना था। एंड इसका खतरनाक है यार ABS। ये देखो फिर से नीटल हो गई थी। हाँ पैदल जा सकते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो भाई लोग यार उस साइड तो मतलब रोड है थोड़ा बहुत, पर चलो कोई बात नहीं। तो हम इसी वाले रोड पे जाते हैं, थोड़ी सी ऊपर तक जाएंगे। सो मैं सोच रहा हूँ कि 8-10 मिनट की वीडियो बन जाए तो सही रहता है, ठीक है। तो वीडियो वगैरह बना के आते हैं फुल पावर यहाँ पे। एंड मैं धीरे धीरे चलाऊँ यार, न्यू बाइक है अभी, सो आप लोग समझ सकते हैं फीलिंग। पावर काफ़ी ज़्यादा है यार बाइक में। और आप लोगों को पता है मैकलोडगंज के रोड कैसे हैं, तो अब फिर लिए पूरा तो सेकंड थर्ड मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में, इससे ऊपर मतलब गियर डलेगा नहीं भाई लोग। कितनी की भगाएंगे यार मैकलोडगंज की रोड में हम लोग। तो भाई लोग आगे से टर्न कर लेंगे हम नीचे को, बिकॉज सीनियर के आगे काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा मेरी वीडियो में। सो मैंने स्कूटी वगैरह काफ़ी बाहर लाई है इस साइड, तो देखो काफ़ी स्मूथली चल रही है बाइक वैसे। सो हमने कर दिया है ड्यूक 390 में फर्स्ट टाइम ऑफ रोड। देखो सो भाई लोग टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो मुश्किल हो जाता है उनको गाड़ी ले जाने को ऊपर, तो देखो यहाँ पे लगा गए हैं। देखते हैं इस वाली वीडियो को आज शाम तक करता हूँ या कल ही करूँगा। तो मैक्सिमम मतलब वीडियो वगैरह यार भाई एडिटिंग तो मैं कर देता हूँ, बट जब वीडियो रेंडर पर लगाता हूँ ना तो काफ़ी टाइम लगता है। एंड वीडियो जब YouTube में डलती है यार वो काफ़ी ज़्यादा नेट खाती है एंड काफ़ी स्लो पोस्ट होती है। सो उस चक्कर में वैसे वीडियो वगैरह तो मैं फटाफट एडिट वगैरह कर ही लेता हूँ। एंड अभी यहाँ तक पहुँच गया हूँ मैं, तो बाइक आप लोग देख ही सकते हो। बाकी बाइक में मैंने कुछ भी नहीं कराया हुआ, और बाकी यार बाइक देखो गंदी हो चुकी है। हम यहाँ तक आए एंड देखो यार मिट्टी हो गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्कशॉप में वॉश कर लेंगे इसको, ठीक है। एंड ये मेरे छोटे भाई ने इसका फंक्शन कर दिया हुआ है, सो ये जो मतलब मीटर है वो ब्लैक ही रहेगा। तो अभी मैं घर जाके देखूंगा कि मेरे GoPro में मतलब कैसी कैसी क्वालिटी आ रही है ब्लैक, वरना हम इसको वाइट कर देंगे। मतलब वाइट करेंगे तो चेंज होते रहते हैं खुद। और बाकी देखो यार यहाँ पे कोई भी नहीं है, मेरे को ऐसी ऐसी जगह काफ़ी पसंद आती हैं यार, जहाँ पर मतलब कोई ना हो, लोगों का क्राउड वगैरह ना हो और हम लोग काफ़ी अच्छे से वीडियो वगैरह शूट कर सकें। पब्लिक में मतलब यार हम ज़्यादा करते नहीं शूट, आप लोगों को पता ही है, क्योंकि यार पब्लिक प्लेस में फिर वीडियो इधर से उधर हो जाती है, फिर सीन हो जाते हैं। आप लोग फुल सपोर्ट करना। एंड मैं यूट्यूब में देख रहा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे मतलब चैनल ग्रो हो रहा है अभी एंड सब्सक्राइबर भी धीरे धीरे प्लस हो रहे हैं, तो आप लोग ऐसे सपोर्ट बनाए रखना। एंड अभी ऊपर नहीं जाएंगे हम, यहीं से वापसी टर्न करेंगे बाइक को एंड नीचे जाएंगे हम। ऑफ रोड में तो इतनी भारी बाइक्स का रिस्क रहता है यार, आप लोग समझ सकते हो। तो मैं बाइक को बंद कर दूँगा, देन बंद करके चलते हैं यार, बिकॉज बंद करके चलने में काफ़ी मज़ा आता है। एंड इसका ये देखो यार किल स्विच एक दिन में पता भाई खज्जल हो गया, जो सिस्टम है समझने में टाइम ही लगता है। किल स्विच बंद था बाइक का एंड मैं इसको न्यूट्रल करे जा रहा हूँ, न्यूट्रल भी हो गई थी, तो मैंने सोचा यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है। देन उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने ऐसे किया, इसको ऑन किया, ठीक है, ए हुई न्यूट्रल, ठीक है, और इसको बंद किया तो न्यूट्रल लाइट बंद हो जाती है एंड गियर भी दिखते हैं। तो मैं खज्जल हुआ, मैंने सोचा यार नई बाइक का ख़राब हो गया सिस्टम, तो दिन बाद में मैंने इसको ऑन किया एंड सारा सिस्टम आ गया यार। एंड ये देखो 4-5 बंदे कैसे चले हैं यहाँ पे, बंदे मींस डॉगीज, 1 people and 4 doggies। सो भाई लोग यार अभी धीरे धीरे जाएंगे हम लोग। एंड ऑफ रोड तो काफ़ी पसंद है मुझे, आप लोगों को पता ही है, अगर आप मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हो तो
स्कूटी में आप लोग मेरे वीडियोस देख सकते हो नीचे चैनल पे, काफ़ी खतरनाक खतरनाक ऑफ रोडिंग करते थे हम लोग। अभी मैं जा रहा हूँ वापसी, मैं बाइक को डाल ही दिया ऑफ रोड में फर्स्ट टाइम। मैंने आप लोगों को बोला था जब मेरा मन होगा मैं स्कूटी में वीडियो बनाऊंगा। बेशक भाई स्कूटी वाली वीडियोस में कम व्यूज़ जाएँ या व्यूज़ जाए नहीं, कोई इशू नहीं है मुझे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप लोगों को मैंने एक बात बोली थी कि मतलब मैं यहाँ तक पहुँचा ना इस लेवल तक भाई लोग, मैं स्कूटी की वजह से पहुँचा हूँ एंड मैं कभी भी स्कूटी को सेल आउट नहीं करूँगा। सो उसे भी मैं चलाऊँगा, अभी उसका काम मेरे को करवाने को पेंडिंग पड़ा हुआ है भाई लोग। सो गाइस अभी कर देते बाइक को न्यूट्रल एंड अभी चलते हैं वापसी नीचे की साइड। एंड देखो यार कितनी शांति है यहाँ पे, मतलब जब यहाँ पे यार सीजन पड़ता है तो होटल वगैरह फुल होते हैं एंड ये जो रोड्स है ना फुली जाम होते हैं फुल पावर। 15,000 तो मेरे इंस्टाग्राम पे ही हैं फॉलोवर्स, सो आप लोग चेकआउट करना। खतरनाक खतरनाक स्कूटी में स्टंट करते थे हम लोग फुल पावर पहले। एंड यार देखो यार टेम्परेरी नंबर भी नहीं मिला गाइज हमें, और मैंने कॉल भी नहीं की उनको, मतलब एक बार स्टिकर लगाया, स्टिकर के ऊपर टेम्परेरी नंबर भी लिखा होता है कि यार वो तक नहीं मिला हमें। एंड इसके गियर मेरे को काफ़ी प्यार से न्यूट्रल करना पड़ता है यार, काफ़ी प्यार से होता है न्यूट्रल, अदरवाइज डाउन करूँ तो पहला गियर डल जाता है, अप करूँ तो सेकंड डल जाता है यार। एंड यहाँ के कुत्ते बड़े खतरनाक हटते नहीं है यार। एंड गाइज आज नहीं बताऊँगा यहाँ का स्काई वे, ये देखो वैसे आज नहीं बताऊँगा इसलिए क्योंकि मैं हर वीडियो में यहाँ पे आता हूँ तो स्काई वे बताते रहता हूँ तो आप लोगों को पता होगा। तो गाइस तुम रिएक्शन देख रहे हो, तो गाइस ये पीछे था दलाई लामा टेम्पल एंड मैं बताना भूल गया यार। ओ हो भाई रोंगी आ गए हो। सो गाइस ये तो बहुत ही गलत है यार, एंड अभी बाइक इतनी गंदी स्किट हुई ना। सो भाई यार एक बंदे के चक्कर में क्या हो जाता है यार सीन। हम लोग पहुंच चुके हैं जहां से हमने वीडियो स्टार्ट की थी, थोड़ी सी आगे है वो जगह। एंड आई होप आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मैं ऐसे ही गया था शाम के टाइम गेड़ी माने। अभी मैं निकल रहा हूँ सीधे घर की साइड, अभी घर जाके देखते हैं क्या सीन है, कहीं का प्लान बनता है तो देखते हैं फिर। एंड बाइक आप लोग देख ही सकते हो यार। एंड गाइस यार एक बात बताना भूल गया हूँ मैं, सो मुझे अभी याद आई, मीटर को देखे यहाँ पे देखा मैंने, ठीक है इसका स्क्रीन गार्ड आया था, मैंने इसका स्क्रीन गार्ड इंस्टॉल कर दिया था, मैंने नहीं बताया आई थिंक उसके बाद मैंने वीडियो शूट नहीं की बाइक में, ठीक है तो इसका स्क्रीन गार्ड देखो मैंने लगा दिया। अभी इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ठीक है गाइस मिलती है आप लोगों को एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।